हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मेकअप ट्यूटोरियल विद इन 300, फुल मेकअप अंडर 300। तो ऐसी वीडियो बना रही थी तो सोचा क्यों ना अफोर्डेबल और अंडर बजट मेकअप किया जाए, ताकि जो बिगिनर्स है और जो बहुत ही बजट फ्रेंडली मेकअप करना चाहते हैं उनके लिए आराम हो जाए। तो यहाँ मैंने लिया है NYBay का प्राइमर और लगा लेंगे अपने फेस में, जहाँ जहाँ लार्ज पोर्स है वहाँ पर ज़्यादा, और फिर जो बच जाएगा उससे पूरे फेस में लगा लेंगे। यहाँ पर है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर, जो कि प्राइमर और हाइलाइटर दोनों का काम करता है। सो यहाँ मेरा डबल प्राइमर हो जा रहा है और हाइलाइटिंग से ग्लो भी आ जाता है फेस में। तो अच्छे से पूरे फेस में लगा लेंगे, और पूरे फेस में लगाने के बाद हम यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कलर एसेंस का पैन स्टिक, ये वाला लेकर अपने फेस में पूरा लगाएंगे और फिर ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये रीबिल्डेबल है, तो अगर एक बार में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है लगाने के बाद, तो आप इसे फिर से इसके ऊपर एक और कोटिंग दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ दो बार करके लगाया है क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम में सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, तो अभी थोड़ा सा फेस ठीक लग रहा है। अब मैंने लिया है यहाँ पर आईब्रो फिलिंग के लिए आईब्रो फिलिंग पाउडर, ये भी स्विस ब्यूटी का है। सो ये लेके अपने आईब्रो को अच्छे से फिल कर लेंगे, शेप में दे देंगे, और फिर स्पूली की मदद से अच्छे से इसे शेप में दे देंगे। अभी मैंने लिया है यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर, इसका जो शेड है ये है 03, और इसे अच्छे से जहाँ जहाँ हाईलाइट करना है वहाँ वहाँ हाईलाइट कर लेंगे, और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। ये जो है ये अभी मैंने लेटेस्ट मंगाया है, ये इसमें ना आपको ब्लश मिल जाएगा, हाइलाइटर मिल जाएगा, कंटूर मिल जाएगा, तो इसी की मदद से ही मैं अपना आधा मेकअप कंप्लीट कर लूँगी। तो आप देखिए किस तरह से, उसी पैलेट से मैंने लिया है आई शैडो ब्लश लिया है, और मैं यूज़ कर रही हूँ आई शैडो क्योंकि मुझे ये मेकअप ना बहुत ही सिंपल सा मेकअप चाहिए था, ताकि जो बिगिनर्स है वो आराम से मेकअप कर सके, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और देखने में भी बहुत अच्छा लगे। ये मेकअप करके ना आप अनमैरिड हो या टीनेजर हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, तो अगर कोई पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो आप आराम से इस तरह का मेकअप कर सकते हो और आप देखने में भी बहुत अच्छे लगोगे। तो अपने आईज़ को अच्छे से कंसील कर लिया था, उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी लूज पाउडर, और जो क्रीस लाइंस ना पड़े इसलिए मैं लूज़ पाउडर से उसे सेट कर दूँगी। अभी उसी पैलेट से मैंने लिया है कंटूर पाउडर, और पूरे फेस को अच्छे से कंटूर कर दूँगी, आप इसे ब्रॉन्जर भी बोल सकते हैं, अच्छे से करने के बाद, ताकि फेस जो है अपलिफ्टेड लगे और एक शेप में भी आए। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ वही पैलेट से ही कंटूर पाउडर ब्रॉन्ज़र लेके मैं अपने फेस नोज़ को अच्छे से शेप में लाऊंगी, और फिर यहाँ ले रही हूँ मैं ब्लश, दो तीन ब्लश के कलर्स को मिक्स करके मैं अपने चीक्स में लगा लूँगी, ताकि एक अलग सा सुंदर सा कलर बन जाए और मेरा चीक्स में बहुत अच्छा लगे देखने में। तो इस तरह से लगाने के बाद ना मैं यहाँ पर मेकअप सेटिंग स्पेस से अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर दूँगी, ताकि इधर उधर ना हिले, और फिर उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ हाइलाइटर। अपने सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद थोड़ा सा रुक जाइएगा, तुरंत तुरंत कुछ भी मत कीजिएगा, जब वो पूरा ड्राई अप हो जाए उसके बाद ही कुछ कीजिएगा। तो हाइलाइटर लेके मैं अभी अपने ब्राउ बोन के नीचे लगा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा हाइलाइटेड लगे। आईज़ के इनर कॉर्नर में लगाऊंगी और फिर आई शैडो के ऊपर लगाऊंगी, एकदम मिडल ऑफ द आईज़ में, ताकि
आईज़ जो है ना थोड़ा सा स्पार्कल करे, थोड़ा हाईलाइटेड लगे ताकि देखने में अच्छा लगे। आप देख रहे हो किस तरह से मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा आईज़ अच्छा लगेगा देखने में। बहुत ही सिंपल सा मेकअप है, आप कोई भी आराम से कर सकते हो। अगर आप न्यू हो, मेकअप करना ज़्यादा नहीं जानते हो, क्या कैसे करना है, ये सब कुछ आराम से आप देख रहे हो किस तरह से मैं कर रही हूँ। अभी मैंने लिया है आईलाइनर, और आईलाइनर लेके अपने आईज़ को अच्छे से शेप में दे दूँगी। इसका ना जो जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है, इसका जो डिटेल्स है, नाम वगैरह, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स का दाम 300 से ज़्यादा है, बट मैंने जब लिया था तो ऑफ़र में ख़रीदा था, तो मुझे अंडर 300 में ही सब कुछ पड़ा है। सो अभी यहाँ पे ले लिया है मैंने काजल, और काजल अच्छे से अपने टाइट वाटर लाइन में लगा लूँगी। आप चाहे तो टाइट लाइन में भी लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर आईज़ बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो अभी जो मेकअप मेरा हो गया है, मैं अभी यहाँ पर लगा रही बायोटिक का लिपस्टिक। ये मेरे पास था बायोटिक का रेड कलर का लिपस्टिक, और मुझे अच्छा लग रहा था ये, तो ये भी मैंने लगा लिया है यहाँ पर। सब कुछ करने के बाद ना मुझे कुछ मिसिंग सा लग रहा था, तो फिर याद आया कि मस्करा तो लगाया ही नहीं, तो मैंने यहाँ पर लिया है मस्करा, और मस्करा अच्छे से लगा लूँगी। यहाँ पे फॉल्स लैशेस नहीं लगा रही, क्योंकि मेकअप जो मैंने आपसे कहा कि ये बिगनर्स फ्रेंडली मेकअप है, अगर आप बिगनर हो तो आपको थोड़ा सा आई लैश लगाने में प्रॉब्लम होगा। सो आप देख रहे हो मैं किस तरह से कर रही हूँ मेकअप, सब कुछ हो चुका है, फिनिशिंग टच देंगे, और लास्ट में मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर, तो नोज़ ब्रिज में लगा लेंगे, और फिर से थोड़ा थोड़ा करके ब्राउ बोन के नीचे लगा रही थी, थोड़ा सा फिर से टचअप दे रही थी ताकि हाइलाइटर जो है वो ज़्यादा अच्छा लगे देखने में, थोड़ा सा लिप्स के ऊपर, और ये रहा लास्ट में चिक्स के ऊपर थोड़ा, ताकि हायर पॉइंट में थोड़ा सा लाइट जब पड़े ना चक 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 चमके, तो अच्छा लगता है वैसे देखने में जब हाइलाइटर लग जाता है फेस में। तो इस तरह से हो गया है मेरा मेकअप कंप्लीट। थोड़ा सा आईब्रो के ऊपर भी आप लगा लीजिएगा फोरहेड की तरफ में, क्योंकि ये भी थोड़ा हायर पॉइंट है ना, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो हो गया है मेरा मेकअप कंप्लीट, और मिलते हैं फाइनल सेटिंग करने के बाद। तो अपना हेयर्स को अच्छे से सेट कर लेती हूँ, और फिर मिलते हैं आपसे, वेट कीजिएगा। तो मैंने ना पहले ऐसे किया था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा हेयर स्टाइलिंग करूं, फिर बाद में ऑफेंडेड होकर मैंने हेयर खोल ही दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मैं हेयर स्टाइलिंग में बहुत ही मतलब आता नहीं है उतना अच्छा से करना, या फिर थोड़ा सा लेज़ी हूँ हेयर स्टाइलिंग करने में आप बोल सकते हो। सो फाइनली मैंने ये लुक लाया अपने हेयर्स को करके, और कैसा लगा ये लुक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।